हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल जैसा कि आप यहां देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी स्केच ड्रा किया हुआ है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्माइलिंग फेस कैसे ड्रा करते हैं और फेस की बिल्कुल डिटेलिंग में आपको बताऊंगा एक एक मेथड आप स्टेप बताऊंगा कि कैसे ड्रा कर रहा हूं सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑनलाइन ड्रॉ की हुई है आप ऑनलाइन के लिए मेरे चैनल पर वीडियोज देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि ग्रित मैथ यूज करके कैसे ऑनलाइन ड्रा करते हैं सेम उसी मैथड से मैंने ये ड्रा की हुई है अब सबसे पहले हम यहाँ फेस ड्रा करेंगे सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ पर फोर हेड ड्रा करूंगा जैसे कि आप यहाँ आप सबसे पहले मैं एचपी पेंसिल का यूज करूंगा एचपी पेंसिल से आपने मतलब लाइट पेंसिल लेनी है उसे शेड करने यहाँ पर मैंने शेड कर लिया वो इसे हम ब्लेंड करेंगे अपने कोई भी ब्लेंडिंग टूल्स का यूज कर, कर सकते हैं बट मैं जो है लार्ज एरिया के लिए बेसिकली फेस के लिए हमेशा कॉटन का कर यूज कर करता हूं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लेंडिंग हो गई है अब मैं रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से जहाँ जहाँ डार्क एरिया वहाँ पर एक और लेयर ऐड करूँगा आप एच बी पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं सेम जिसका पहले किया या फिर आप बी पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर आईब्रो ड्रा कर रहा हूँ सबसे पहले मैं लाइट पेंसिल का यूज़ करूँगा लाइट पेंसिल से एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं ड्रा करूँगा लाइन्स ड्रा करूँगा जिस ट्रक्शन में हेयर्स हैं फिर उसके बाद उसको ड्रा करता रहूँगा उस, उसको डार्क उतना ही करना जितना रेफरेंस फोटो में यहाँ पर मैंने इस इस वाले में पहले बी पेंसिल से ड्रा किया फिर थ्री बी से किया और फिर एंड में एच बी से ज़्यादा डार्क किया सेम तरीके से आपने भी करना और ब्लेंडिंग भी करनी है अब बिल्कुल सेम तरीके से हम दूसरा आईब्रो भी ड्रॉ करेंगे और आपने याद रखना है आपने सेम मेथड सेम पेंसिल्स का यूज़ करना दोनों आईब्रो पे ताकि अलग ना दिखे और बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करना जैसे आपने पहले ड्रॉ की है अब हम यहाँ पर आइस ड्रॉ करेंगे आइस के लिए सबसे पहले मैं लाइट पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ आप बेसिकली ऑब्जर्व करेंगे मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था जो फेस है वो स्माइलिंग फेस है इसलिए आइस क्लोज है ज़्यादा बिल्कुल ओपन नहीं है जैसे हम रेगुलर ड्रॉ करते हैं वैसी नहीं है इसलिए ये थोड़ी अलग है इसमें सबसे पहले आप मैं आइस लाइट पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ उसके बाद जो डार्क पेंसिल्स हैं उनसे मैं डिटेलिंग ड्रॉ करूँगा आपने बेसिकली फोटो को ऑब्जर्व करें कि फ़ोटो में कहाँ लाइट पोर्शन है कहाँ डार्क पोर्शन है और सेम उसी तरीके से आप ड्रॉ करें जैसे पहले आप लाइट पेंसिल से ड्रा करें फिर उसको ब्लेंड करके डार्क पेंसिल का यूज़ करें और उतना डार्क करें जितना फोटो में है। जब तक आपको वैसा रिजल्ट ना मिले आप उसको करते रहें ताकि आपको काफ़ी वैसा सेम सेम बने और रियलिस्टिक बने यहाँ पे मैं सेम वैसे ही करूँगा और दोनों आइज़ को मैं सेम वैसे ही ड्रा कर रहा हूँ और मैं हमेशा मोस्टली एक ही मेथड अप्लाई करता हूँ पहले लाइट पेंसिल से ड्रॉ करना फिर उसे ब्लेंडिंग करना और फिर उसे डार्क पेंसिल और डार्क तब तक करते रहना जब तक, तक आपकी रिजल्ट ना मिल जाए जो आपको चाहिए अब हम यहाँ पर साइड फेस ड्रॉ करेंगे इसको ड्रॉ करने के लिए सीम वैसे वही मैथड अप्लाई करना मैंने जो ऊपर किया था सबसे पहले मैं लाइट पेंसिल का यूज़ करूँगा उससे शेड करूँगा जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल लाइटली स्मॉल धीरे धीरे ड्रॉ कर रहा हूँ जो इस फोटो में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कॉटन का भी यूज़ किया और एयरबर्ड का भी किया एयरबर्ड मैं हमेशा स्मॉल एरियाज़ के लिए यूज़ करता हूँ जहाँ पर हल्का सा स्मॉल एरिया जहाँ पर उसको ब्लेंड करने के लिए यूज़ करता हूँ आप पेंट ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं चाहे तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प्स का भी कर सकते हैं बट एयरबर्ड से काफ़ी स्मूदली होता है और उससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इसलिए मैं एयरबर्ड का कर यूज़ करता हूँ अब आप जैसे ही देख सकते हैं फेस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस पर हल्का सा डार्क पोर्शन भी है इसके लिए मैं क्या करूँगा एच का ही यूज़ करूँगा जिससे मैंने बाकी पोर्शन रोके बट थोड़ा प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करूँगा उससे क्या होगा कि आपका ना अलग अलग से ना दिखे अलग से नहीं दिखेगा इसलिए हमेशा कोशिश करेगी उसी पेंसिल का यूज़ करके थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर लें अगर बिल्कुल ज़्यादा डार्क है फिर वहाँ पर आप एक ग्रेड पेंसिल बढ़ा सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर करूँगा आगे अब देख सकते हैं मैं यहाँ पर सेकंड आई ड्रॉ कर रहा हूँ सेकंड आई के लिए मैंने सेम वही मेथड अप्लाई किया जैसा पिछले मैं फर्स्ट टाइम में किया था सेम उसी तरीके से आपने ड्रॉ करना है और हमेशा याद रखें दोनों को एक जैसा ही ड्रॉ करें ऐसा ना हो आप एक में अलग पेंसिल यूज़ कर रहे हैं एक में अलग कर रहे हैं उससे क्या होगा आपके दोनों अलग अलग दिखेंगे आपको हमेशा कोशिश करेंगे कि दोनों में सेम तरीका अप्लाई करें सेम ग्रेड की पेंसिल करें ताकि आपका जितना स्केच हो सके उतना सेम दिखना चाहिए और रियलिस्टिक दिखना चाहिए आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर दूसरी साइड का फेस ड्रा करूँगा सेम उसी तरीके से आपने ड्रा करना जैसा पहले किया पहले मैं लाइट पेंसिल का यूज़ करके उसे शेड करूँगा फिर उसके बाद जो डार्क पोर्शन है एक उसी पेंसिल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके ड्रा करूँगा और उसे ब्लेंड करूँगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने कॉटन यूज़ किया है फेस को पूरा ड्रा करने के लार्ज एरिया के लिए बट जहाँ स्मॉल एरिया वहाँ पर मैंने कॉटन का यूज़ नहीं एयरबर्ड का यूज़ किया वो भी एक तरह कॉटन का ही है बट कॉटन वो स्मॉल एरियाज़ में आप यूज़ कर सकते हैं अब हम यहाँ पर नोज़ ड्रॉ करेंगे नोज़ के लिए आपने ज़्यादा नहीं है डिफ़िकल्ट नहीं होती उसमें आप क्या करें सबसे पहले लाइट पेंसिल से ड्रॉ करें शेड कर लें नोज़ को जो आपने आउट लाइन में जैसे जिस शेप की ड्रॉ की है वैसे यहाँ पर जाकर बिल्कुल स्ट्रेट है फिर उसको क्या करें जो हल्का सा जहाँ पर डार्क कुछ रहे उससे डार्क करते रहें और वैसे कर वैसे ही आप पूरी नोज़ ड्रॉ करें उससे काफ़ी अच्छे से ड्रॉ होती है और स्मॉल स्मॉल एरिया एक साथ पूरी ना ड्रॉ करें छोटे छोटे एरिया के हिसाब से ड्रॉ करें काफ़ी अच्छे से ड्रॉ होगी अब हम यहाँ पर बाकी पोर्शन ड्रॉ करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे फिर से पूरे फेस पे मैंने सिर्फ एच बी पेंसिल और बी पेंसिल का यूज़ किया आपने बिल्कुल वैसा ही करना है ऐसा ना हो आप फोर एट में कोई और यूज़ करें चीक्स पे कोई और करें और लिप्स के नीचे कोई और करें आपने सेम तरीके से ड्रा करना है और लिप्स के लिए भी मैं एच बी और बी पेंसिल का ही यूज़ करूँगा और जो डार्क एरिया जहाँ पर लगे वहाँ पर मैं एच बी फोर बी या एट बी का कर सकता हूँ बट मोस्टली मैंने स्केच में एच बी बी और फोर बी का यूज़ किया है उससे ज़्यादा मैंने कोई पेंसिल तीन पेंसिल से मैंने पूरा फेस ड्रॉ किया है और आपकी ड्रॉ बिल्कुल वैसे ही जैसे है फ़ोटो को ऑब्जर्व करेंगे और उसे देखें कि आपको किस ग्रेड की पेंसिल यूज़ है और मोस्टली हमेशा बी एच बी बी और टू बी इन्हीं का यूज़ होता है बाकियों का इतना नहीं होता और बिल्कुल सेम से वैसे ड्रॉ होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर लिप्स ड्रा हो गए हुए हैं और काफ़ी अच्छे हुए हैं मैंने सिंपल पहले एच बी पेंसिल का यूज़ किया और उसके ऊपर डार्क करने के लिए बी पेंसिल का यूज़ किया और जहाँ ज़्यादा डार्क है वहाँ मैंने क्या किया है बी पेंसिल को ज़्यादा प्रेशर से अप्लाई किया अब हम यहाँ पर बाकी फेस ड्रॉ करके उसके लिए भी सेम मैं वैसे ही वही मैथड यूज़ करूँ जो बाकी फेस में किया मैंने पहले एच पेंसिल से मैं शेड करके उसे ब्लेंड करूँगा और फिर उसके बाद अगर वहाँ ज़्यादा डार्क करना होगा एच से ही एक लेयर और ऐड करूँगा और अगर वहाँ कुछ ज़्यादा डार्क हुआ बिल्कुल तो वहाँ मैं बी पेंसिल का कर यूज़ करूँगा उसी उसी तरीके से मैं दोनों तरफ ड्रा करूँगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फेस ऑलमोस्ट ड्रा हो गया है बस थोड़ा सा पोर्शन रहता है जिसमें मैं सिर्फ एच बी पेंसिल शेड करके उसे ब्लेंड करना है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ड्रा हुआ है सेम आपने ऐसे ही ड्रा करना है जब भी कोई फोटो आप लेते हैं उसे ऑब्जर्व करें अच्छे से कि कहाँ पर कौन सी पेंसिल का यूज़ कर कौन से आप यूज़ कर सकते हैं और कैसे ड्रा करना है उसे हमेशा मैथड हमेशा याद रखें बनाते वक्त भी और उससे पहले भी काफ़ी देख ऑब्जर्व करें फ़ोटो को और बिल्कुल वैसे ही ड्रा करें उससे क्या होगा आपकी फ़ोटो काफ़ी अच्छे से ड्रा होगी और रिजिक ड्रा होगी और आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल या ज़्यादा मटेरियल्स की जरूरत नहीं है मैंने इसमें सिर्फ एच बी पेंसिल बी पेंसिल और फोर बी का यूज़ किया है और साथ में कॉटन का और एब का जो ईज़िली आपको मिल जाएंगे तो देख से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया हुआ है और फोर वीडियो में अगर आपको सही नहीं दिख रहा होगा बट जब रेफरेंस रियल में आप देखेंगे काफ़ी अच्छे से ड्रा होगा इसलिए आप भी प्रैक्टिस करें और ऐसे ड्रा करेंगे जैसे मैंने ड्रा किया आपका भी काफ़ी अच्छे से ड्रा हो सकता है